हाय फ्रेंड, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट मैथ क्वेश्चन के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी एथ वीडियो है जिसमें मैं एथ क्वेश्चन करूँगा। इससे पहले मैं 7 क्वेश्चन डाल चुका हूँ, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आई रिकमेंड कि आप उन्हें भी देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारी वीडियो को एक साथ देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिलेगी और वहाँ पर प्ले लिस्ट का लिंक है, क्लिक करिए, आप उस प्लेन पर पहुँच जाएंगे और आप एक साथ सारी वीडियो देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है और प्रूफ करने का क्वेश्चन है। प्रूफ दैट सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस वन अपॉन टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इक्वल कॉस थीटा अपॉन में वन माइनस साइन थीटा। तो हम इस क्वेश्चन में एन एच एक्स लिख चलेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पे टेकिंग एन एच एक्स, ठीक है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस वन अपॉन में, यहाँ पे अपॉन में टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए हमने पढ़ा है कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ट्रिगोनोमेट्री की कि वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब अगर मैं इस सेक स्क्वायर को, या एक काम करते हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ यहाँ पे। हमें पता है कि वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल वन, तो ये भी गलत नहीं होगा क्योंकि वन तो यही पर रहा, मैं टैन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर ले आया, है ना। तो यहाँ पे वन लिखा है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ वन लिखा है, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पिकअप कर देंगे, नीचे नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऊपर की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू रखेंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस को ऐसे रहने दीजिए, और अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपॉन में जैसे था वैसे ही रहने दीजिए। तो क्या था नीचे, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब देखिए हमें एक और चीज़ पता है कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। तो हम यहाँ पे वही फिकअप करेंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और एक और आएगा जिसमें सेक थीटा माइनस टैन थीटा होगा, ठीक है, और अपॉन में जैसे था वैसे इसको रहने दीजिए, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब क्या करेंगे हम, जैसे कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पे कॉमन नहीं सकते क्योंकि सेक थीटा प्लस टैन थीटा यहाँ पे भी है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, देखिए ये अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे, वन वन माइनस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है, वन माइनस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इसका निशान क्या है, क्योंकि मैंने सेक थीटा यहाँ कॉमन ले लिया और यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, इसके यहाँ पे वन बच जाएगा और वन माइनस, क्योंकि ये तो कॉमन लिया नहीं तो ये यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपॉन में तो वैसे ही रहेगा सेम, अपॉन में क्या था हमारे, नीचे था हमारे टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, तो वही लिख देंगे हम यहाँ पे, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे वन प्लस में, यहाँ पे भी प्लस में, यहाँ माइनस सेक थीटा, यहाँ पे माइनस सेक थीटा, ठीक है, और हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे
पीछे हमने यहाँ पे माइनस था, हमारा माइनस साइन था, तो जो हमारा वन माइनस एक थीटा है तो यहाँ पे प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन यही है कि यहाँ पे माइनस था वन, यहाँ पे वन आ गया, वन माइनस एक थीटा, और यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया प्लस। तो यहाँ पे दोनों सेम है, टेन थीटा प्लस में एक थीटा माइनस माइनस, और वन भी प्लस प्लस, तो ये टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बट अभी भी हमारा आंसर तो आया नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसे कॉस और साइन में चेंज कर देंगे। तो सेक होता है वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो एनसीएम तो सेम है दोनों का, डिनोमिनेटर सेम है, तो वन प्लस साइन थीटा ऊपर आ गया, बट अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, वन प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा में वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा किया हमने ऊपर, और नीचे क्या है हमारे, कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, जो अभी हमने आइडेंटिटी की थी, और ऊपर क्या रहेगा, कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। अब हमें क्या बताया है कि वन माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, वन के इक्वल होता है। तो अगर मैं लिखूँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ तो क्या होगा, हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा ये, और वन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन भी तो लिख सकता हूँ है ना, तो मैं वहाँ यहाँ पर भी वही करूँगा। ओके, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस के ये स्क्वायर का रख दिया, और क्या बचेगा, कॉस थीटा अपॉन में वन माइनस साइन थीटा। अब मैंने ऐसा यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि देखिए मैं क्या लिखता हूँ, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखता हूँ ना, और अपॉन में कॉस थीटा, तो एक ही कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, कॉस थीटा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, तो हमने इसको कैसे इम्प्रूव कर दिया, आर एच एस के, देयर फोर एन एच एस इक्वल आर एच एस, हमें इतना ही प्रूफ करना था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाते रहे। अगर आपको पूरी सीरीज देखनी है तो जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मेरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, और वहाँ से आप क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन को देख पाएंगे, पूरी सीरीज क्वेश्चन को देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।